क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब. फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब. अब अगेन देखो, यहाँ पे सर्फेस एरिया अकेला गिवन है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सर्फेस एरिया. जब सर्फेस एरिया के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो इट मीन्स टोटल सर्फेस एरिया. अदरवाइज क्वेश्चंस में मेंशन्ड होता है दैट लेटरल सर्फेस एरिया आपने लेके चलना है. सो हमें क्वेश्चन समझो पहले क्या गिवन है. उसने क्या कहा कि हर क्यूब की एज को अगर हम 50% इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि उसी की एज का 50% हमने इंक्रीज कर दिया. मान लो पहले अगर वो 1 थी तो 1 का 50% हाफ हो गया, यानी कि हमने उसको 1.5 कर दिया. अगर वो 2 थी, 2 का 50% 1 हो गया तो 2 में 1 इंक्रीज कर दिया, यानी कि उसको 3 कर दिया. एंड इन दिस वे फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब. अब मुझे नहीं पता इसकी क्यूब की एज क्या है क्या नहीं, तो हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट द एज ऑफ द क्यूब इज ए यूनिट. हमें नहीं पता लेंथ कितनी है तो हमने इसको ए यूनिट्स ले लिया. अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ईच एज इज इंक्रीज्ड बाय 50%. एज कितनी इंक्रीज हुई? 50%. तो न्यू एज आफ्टर इंक्रीज कितनी होगी? ए पहले थी, ए का 50% जो है वो क्या किया, इंक्रीज कर दिया. तो न्यू एज आफ्टर इंक्रीज कितनी हुई? पहले ए थी, 50% ऑफ ए हमने इंक्रीज कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा. अब दिस इज 1/2, तो ए प्लस ए बाय टू, तो दिस इज एलसीएम लेके 3a/2, यानी कि जो न्यू एज है इंक्रीज के बाद, या इंक्रीज्ड एज यू कैन से, दैट इज 3a/2. अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया के लिए, दैट इज 6a² तो दस ओरिजिनल ले लेते हैं हम. ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना आएगा? नाउ यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर. हम 6a² दिस इज 6a² एंड द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया विल बी 6 × 5² होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला. तो 6 × साइड कितनी है इंक्रीज वाली? 3a/2, तो 3a/2 का स्क्वायर. सो दिस इज 27/2a² यस, 27/2a² स्क्वायर यूनिट्स लिख लेना आगे. अब हमें क्या निकालना है, वी आर टू फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. इंक्रीज इन सरफेस एरिया देखो पहले कितना हुआ, दैट इज इंक्रीज्ड एरिया माइनस ओरिजिनल. इंक्रीज्ड सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो दैट इज 27/2a² माइनस 6a² एलसीएम लो, डिफरेंस फाइंड आउट करो, दैट विल बी 15/2a² कैलकुलेशंस आप खुद करोगे.
अब परसेंटेज इंक्रीज का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज इंक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. तो उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो वी विल गेट आर आंसर. यहाँ लिख रही हूँ मैं इस साइड पे, या मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट ही रेज कर देती हूँ. यू वुड हैव रिटन दिस. अब हमें फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब उसने कहा था, तो अब हम ले रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. दैट इज इंक्रीज्ड सरफेस एरिया. ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में किए हुए हैं, अपॉन में ओरिजिनल. जब भी कहीं पे भी किसी भी चीज का इंक्रीज्ड वन इन परसेंटेज फॉर्म आपने निकालना होता है, तो जितना इंक्रीज डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था इनटू 100. परसेंटेज में कर रहे हो तो इनटू 100. सो पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. इंक्रीज्ड सरफेस एरिया आपके पास है 15/2 a², ओरिजिनल इज 6 a². कटिंग्स कर दो. अपने हिसाब से कर लेना कटिंग्स. सो द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया इज 125%. दोबारा देखो हमने क्या किया. हमें उसने कहा कि इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. हमने पहले क्या किया, एज क्योंकि हमें गिवन नहीं थी, उसको हमने ए एज्यूम कर लिया. अब इसका 50% इंक्रीज हुआ, यानी कि इसमें ही इसका 50% ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द इंक्रीज्ड वन. ये जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गई इंक्रीज्ड साइड, आ गई 3/2 a. अब दो साइड्स थी हमारे पास, एक थी a, दूसरी थी 3/2 a. अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों में कितना इंक्रीज हुआ. जितना उसकी जो है सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ, अकॉर्डिंगली हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया उसने हमसे पूछा था. तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंक्रीज्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, देन ओरिजिनल सरफेस एरिया हमें पता है. सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 × side² ओरिजिनल वाले के लिए साइड वॉज ए, जो इंक्रीज्ड वन था वो साइड आपका 3a/2 था. दोनों एरियाज आ गए, दोनों का आपने डिफरेंस लिया, तो यू हैव गॉट द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. अब इसका परसेंटेज हमें निकालना था. परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो, जैसे मार्क्स का भी अगर आपने परसेंटेज निकालना होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इंटू 100 करते हो. अब क्योंकि इंक्रीज हम निकाल रहे थे, तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, आगे परसेंट का साइन, क्योंकि परसेंटेज आप निकाल रहे हो. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन. इफ एनी डाउट इज देयर, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट. अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, अब ये ध्यान से सुनना. The areas of three adjacent faces of a cuboid are x, y and z. अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे साइड्स नहीं गिवन है, एजेस नहीं गिवन है, वी आर गिवन द एरियाज ऑफ द एडजेसेंट फेसेस. तो ये ध्यान रखना है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी विल गो. तो अगर मैं जो है यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो अगर मैं इसको एज अ क्यूबॉइड ले रही हूँ, तो टॉप फेस का सिक्स फेसेस यू कैन सी, फर्स्ट, सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. अब इसमें से उसने क्या कहा, एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस. एडजेसेंट मींस जो एक दूसरे के साथ लग रहे हैं. तो अगर ये मैंने फर्स्ट लिया, ये सेकंड, ये थर्ड ले सकती हूँ, या ये मैंने फर्स्ट लिया, अगर दिस वन इज द फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हो. तो कोई भी थ्री फेसेस, इसका एरिया हमें गिवन है एक्स, इसका एरिया मुझे गिवन है वाई,
इसका एरिया मुझे गिवन है z, इधर भी ले सकती हूँ मैं, इधर भी ले सकती हूँ, एडजेसेंट है, किसी भी तरीके से आप इनको ले सकते हो. सो अब ये ध्यान ये रखना है कि मुझे एजेस नहीं गिवन है, आई एम गिवन द एरिया. सो स्टेटमेंट लिख लो, द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड. इफ इट्स वॉल्यूम इज वी, एक्स वाई जेड स्मॉल है और वी कैपिटल गिवन है, देन शो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. देन शो दैट v square is equal to x, y and z. देखो मुझे क्या शो करना है कि जो वॉल्यूम का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड. मुझे ये पता है कि जब मुझे क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी होती है तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, आई नीड इट्स लेंथ, आई नीड इट्स ब्रेथ, आई नीड इट्स हाइट. तो मेरे पास अभी ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, तो उसको क्या करेंगे हम एज्यूम कर लेंगे. तो लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड बी एल बी एंड एच. ब्रेथ बी यूनिट्स एंड हाइट h unit. अब मेरे पास ये तीनों आ गए. यस शिवा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ बच्चे, अदरवाइज लोअर योर हैंड इफ नो डाउट इज देयर. इवा इफ एनी डाउट इज देयर बेटे यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज इफ नो डाउट इज देयर then lower your hand. So length हमें given है L units, breadth हमें given है B units and height हमें given है H units. अब हमने क्या करना है, यहाँ से volume find out कर लेंगे क्योंकि V और X Y Z का हमने relation find out करना है. तो V आ गया हमारे पास X into Y into Z. इसको ले लो equation number one. अब हमें find out करना है प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू जेड. अब हमें ये पता है कि दिस इज मैम वॉल्यूम x y z के इक्वल क्यों हो गया बेटे, लेंथ नहीं, l इंटू बी इंटू h, दिस इज l इंटू बी इंटू h नॉट x y z, मैंने गलती से लिख दिया था, l इंटू बी इंटू h, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब हमें जो है उसने क्या कहा, एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस हमें गिवन है x y एंड z. तो एडजेसेंट फेसेस जब हम लेके चल रहे हैं तो लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ वाले हम ले सकते हैं. तो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस ले लेते हैं या कुछ भी ले लो, एरिया ऑफ फेसेस फर्स्ट ही ले लो. एक्स ये मुझे गिवन है, मान लिया मैंने इसको कि ये मेरे पास लेंथ इनटू ब्रेथ से आया. एरिया ऑफ सेकंड फेस that is y given है, breadth into height से आ गया. area of third face z given है, तो height into length से आ गया. मैंने वो तीन faces ले लिए जिनमें length breadth आ रही है, breadth height आ रही है और height length आ रही है. हर एक में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा. मतलब हमने ये करना किया है, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि this one and this one हमने लिया, तो जो दो फेसेस हमारे सेम टाइप के हैं वो हम नहीं ले रहे हैं. एक फेस मैंने ये लिया तो एक ये ले रहे हैं जिसमें डायमेंशंस उनकी कह लो आप डिफरेंट हैं, दैट आर आल्सो एडजेसेंट. तो हमने डिफरेंट डायमेंशंस वाले लिए फेसेस क्योंकि ओपोजिट फेसेस बन जाएंगे अगर
ये वाले हम ले लेते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो दीज विल बी द ऑपोजिट, तीनों एडजेसेंट हैं आपस में, तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ठीक है। अगर मैं ये और ये जैसे कह रही थी, तो उसमें ये दो एडजेसेंट हैं और ये दो एडजेसेंट हैं, जबकि हमें वो तीनों एडजेसेंट गिवन हैं, तो दिस वन विल बी द फर्स्ट, दिस वन विल बी द सेकेंड एंड दिस वन या दिस वन विल बी द थर्ड, तो ये ध्यान रखना है। तो इट मीन्स कि तीनों की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है। अगर हम ऊपर और नीचे वाला ले लेते हैं तो वो ओपोजिट हो जाएंगे फेसेस, तो एडजेसेंट नहीं रहेंगे, तो तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए। तो एल बी बी एच एच एल उनके एरियाज आ गए। अब हम यहाँ से लेके चलेंगे जो हमने प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो टेकिंग टू प्रूव है हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो आर एच एस हो गया इसका, x into y into z. अब ये values put करो and you will get your answer. x को lb से replace किया, y को bh से, z को hl से, so this is l square b square h square l b h whole square, so this is v square, that is the left hand side. सो मेन जो ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट इज की जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनका हमने ध्यान रखना है। सो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक बार दोबारा देखिए, हमें गिवन है एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड, तो क्यूबॉइड हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके जो थ्री एडजेसेंट फेसेस हैं, दिस वन इज द फर्स्ट फेस, दिस वन इज द सेकंड फेस, दिस वन इज द थर्ड फेस, ये तीनों फेसेस इसके एडजेसेंट हैं। तो ये लेंथ है, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। तो हमने इनके एरियाज हमें गिवन थे, तो एरिया ऑफ फर्स्ट वन अगर हम देखते हैं तो दैट इज एल इंटू बी, अगर हम एरिया ऑफ सेकेंड फेस देखते हैं तो दैट इज एल इंटू एच, अगर हम एरिया ऑफ थर्ड फेस देखते हैं तो दैट इज बी इंटू एच, ये तीनों हमें गिवन है, ये एरियाज हमें गिवन है, क्योंकि हमने इसकी जो डायमेंशंस थी वो एल बी एच माननी है, तो वॉल्यूम आ गई हमारे पास एल बी एच। उसके बाद उसने हमें क्या कहा था, शो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो हमने राइट हैंड साइड ले ली एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इसकी वैल्यूज फिक्स कर दी है, x इज लेंथ इनटू ब्रेथ, y इज ब्रेथ इनटू हाइट एंड z इज हाइट इनटू लेंथ। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज पुट की, हमारे पास a l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर b स्क्वायर और h स्क्वायर आ गया। एल बी एच हमें पता है दैट इज द वॉल्यूम, तो जब हमने इनको रिप्लेस किया तो एल बी एच वी से रिप्लेस हुआ, बट उसका क्योंकि स्क्वायर हो रहा था तो वी आर हैविंग बी स्क्वायर, सो दिस वाज द लेफ्ट हैंड साइड, तो वी हैव प्रूव्ड इन दिस वे, राइट हैंड साइड लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी, तो इट मीन्स वी हैव शोन दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। How many 3 meter cubes can be cut? How many 3 meter cubes can be cut from a cuboid? From a cuboid of dimensions 10 be cut from a cuboid of dimensions 18 by 12 by 9 meters mein hai dimensions mein.
आपको पता है जब हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, मेल्ट करके उसको रिकास्ट करते हैं, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। साइमन, इफ यू वांट टू गिव द आंसर देन इट्स फाइन, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ बेटे। सो वॉल्यूम्स जो हैं उन केसेस में क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो जब आप एक चीज को कट कर रहे हो किसी स्मॉलर उसमें, देन ऑल्सो जो स्मॉलर वाले की वॉल्यूम्स अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो बिगर वन वाले के इक्वल होती है। नाउ वी आर टू फाइंड आउट हाउ मेनी 3 मीटर्स क्यूब। क्यूब मीन्स ऑल द एजेस विल बी सेम, यानी कि हमें 3 मीटर एज की क्यूब्स कट करनी है। किससे कट करनी है? फ्रॉम द क्यूबॉइड ऑफ दिस डायमेंशन। आई होप नाउ यू कैन आंसर। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्यूब्स? डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी गिवन बाय, 72 दिस इज 72। या इट्स करेक्ट। मैम, व्हाट? 72 या इट्स करेक्ट। सो व्हाट वी आर टू डू, सिंपली वी आर टू डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब की जो साइड मुझे गिवन है दैट इज 3 मीटर, तो क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी ए क्यूब, यानी कि 3 क्यूब। इनको कट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 72 क्यूब्स विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड क्यूब इज कट इंटू टू क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। एक क्यूब गिवन है मुझे, उसको क्यूबॉइड्स में कट किया गया और इस तरीके से कट किया गया कि जो क्यूबॉइड्स बने उनकी जो वॉल्यूम्स हैं वो सेम होंगे। सो अ सॉलिड क्यूब इज कट, नंबर डाल लेना जो भी है क्वेश्चन का। अ सॉलिड क्यूब इज कट इंटू टू क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड, टू दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड। देखो उसने क्या कहा, अ सॉलिड क्यूब इज कट इंटू टू क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब को इक्वल वॉल्यूम्स के दो क्यूबॉइड्स में कट किया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड्स। तो मुझे ये क्यूब गिवन है, इसको लेट अस सपोज कि मैंने यहां से कट कर दिया, तो हाफ जो है वॉल्यूम इधर हुआ, हाफ वॉल्यूम इधर हुआ, यानी कि जो मेरे पास क्यूबॉइड बनेगा दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड की क्या देखो खासियत होगी, इस क्यूबॉइड में जो ये साइड है ये सेम रही, जो ये साइड है ये सेम रही, जो चेंज हुई वो कौन सी चेंज हुई, ये वाली, यानी कि उसकी हाइट चेंज हो गई, लेंथ सेम रही, उसकी ब्रेथ सेम रही। टू ऑफ द डायमेंशंस विल बी सेम एंड द थर्ड वन विल चेंज। थर्ड वन भी किस तरीके से चेंज हुई है, ये पूरी ए थी, हमने क्या किया, टू इक्वल क्यूब्स में उसको क्यूबॉइड्स में डिवाइड किया, यानी कि ए बाय टू इधर आ गया, ए बाय टू आपका इधर आ गया। इट मीन्स योर न्यू क्यूबॉइड इज हैविंग द हाइट एज ए बाय टू, लेंथ एज ए एंड ब्रेथ एज ए। आई होप यू वुड हैव गॉट द कंसेप्ट। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस वंस अगेन। वी आर गिवन इन द क्वेश्चन अ क्यूब विच इज कट इंटू टू क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम्स क्या है, सेम है। सो व्हाट वी हैव टेकन कि हमने यहाँ पे क्या किया, फिगर में ये शो कर दिया कि यहाँ से हमने क्यूब को क्या किया, डिवाइड किया।
नाउ व्हेन एवर यू आर डिवाइडिंग इट इनटू टू क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यहाँ पे आपका जो इसका लेंथ था, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ, देयर इज नो चेंज इन द ब्रेड, बट हाइट में देयर इज चेंज. हाइट वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इट मीन्स फॉर योर न्यू क्यूबॉइड, नए वाले क्यूबॉइड के लिए क्या हुआ, हाइट कितनी हो गई a by 2, लेंथ इज सेम a, ब्रेड्थ इज सेम a. सो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड वी आर हैविंग, length that side of cube we are having. Now we can find out the ratio of the total surface area of cube to that of one of the cuboids. One of the cuboids ek cuboid ke saath compare karna hai. So now you will tell me what we will do. Side of cube maan loge a. A units. अब क्यूबॉइड की डायमेंशंस आपने लिखनी है, क्या आएंगी क्यूबॉइड की डायमेंशंस बताइए. लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल a एंड हाइट इक्वल्स टू a बाय 2. यहाँ आप लिखोगे सिंस क्यूबॉइड्स आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स. देयरफॉर लेंथ हो गई इसकी a, ब्रेथ हो गई a, हाइट हो गई a by 2. सेम वे में जैसे मैंने इसको अभी हॉरिजॉन्टली कहा कि डिवाइड कर रहे हैं, वी कैन डिवाइड इट वर्टिकली ऑल्सो. तो उस केस में लेंथ a by 2 हो जाएगी, वो आप चेंज कर दोगे. अगर ब्रेथ के अलोंग कट करोगे तो ब्रेथ a by 2 हो जाएगी. यानी कि तीनों में से कोई एक डायमेंशन हम a by 2 ले रहे हैं, बाकी दो हमने a लेके चलनी है. नाउ फाइंड आउट द सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. इसको मैंने ऐसे से ले लिया, मान लो डिनोट कर दिया, तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है. अब सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूबॉइड हमने निकालना है, तो उसको मैं s डैश या s वन कुछ भी आप ले सकते हो, उसे डिनोट करेंगे. सरफेस एरिया टोटल लेना है क्योंकि कुछ भी आगे मेंशन नहीं है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एल बी, देन प्लस एच बी एच हो गया ए स्क्वायर बाय 2, और एच एल भी हो गया आपका ए स्क्वायर बाय 2. 2 प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू 2, 8 ए स्क्वायर बाय 2 इज 4 ए स्क्वायर आ जाएगा ये आपका. एक बार चेक कर लो इसको फिर भी. अब हमें इनकी रेशियो निकालनी है, तो s और s डैश. अब अगेन ध्यान रखना है, पहले टोटल फाइंड द रेशियो ऑफ में पहले क्यूब आ रहा है, फिर क्यूबॉइड आ रहा है, तो क्यूब का सरफेस एरिया ऊपर आएगा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपका नीचे आएगा. जो चीज पहले लिखी है वो ऊपर आती है, जो बाद में लिखी है वो नीचे आती है, जब भी रेशियो निकालते हो. अब ये है 6 ए स्क्वायर, ये है 4 ए स्क्वायर. कटिंग्स करके यू विल बी हैविंग योर आंसर एज 3:2. 3:2 आ जाएगा, तो रेशियो इज 3:2. सो दिस इज योर आंसर. तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन जो है अनसीन आ गया, हमसे नहीं होगा. क्वेश्चंस 2-3 बार रीड करोगे तो उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट सारे वही लग रहे होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज नेक्स्ट लिखवा रही हूँ मैं क्वेश्चन. बीच में ही मैंने बेटे हॉट्स लेवल के भी क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर दिए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वी बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस ए बी एंड सी. ए बी सी की जगह आप एल बी एच कर लो तो आपको इजी रहेगा. इफ वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन एल बी एच,
एंड एस इज द सरफेस एरिया, एंड एस इज द सरफेस एरिया. Then prove that one upon V is equal to two by S into one by L plus one by V. Excuse me, ma'am. Anshi bete. Ma'am, surface. Ma'am. Yes, Diya. Ma'am, last question जो हम discuss किया उसके अंदर surface area of cuboid कितना आ रहा था? Cuboid was 4a square बेटे. One cuboid का था ना क्योंकि. Ma'am, हमने इसको 2 से divide कर दिया. बेटे हमारे पास क्या बना था? That was 2 into. Ma'am, I also have doubt in this question. Just a moment. मैं बता देती हूँ. ये आया था हमारे पास, ठीक है. ये चीज थी, हमने क्या किया, एलसीएम लिया यहाँ पे 2a स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में 1 ले लो, प्लस a स्क्वायर बाय 2. ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास 4a स्क्वायर रह गया था. क्लियर मैम? हमने a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 वही 4a, इन दोनों के डिनोमिनेटर लिया 2. 8a स्क्वायर बाय 2 करके भी 4 ही आएगा बेटे आपका, जैसे मर्जी आप सॉल्व कर लो. ओके मैम, एक बार कैलकुलेशंस अपने दोबारा चेक कर लेना, मैंने यहाँ बोर्ड पे कर दी है. दीज वर द कैलकुलेशंस फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन पे आएंगे. हमें अब गिवन है यहाँ पे कि एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट एल बी एच गिवन है. एस उसका सरफेस एरिया है. हमें प्रूव करना है कि 1 अपॉन वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ एस, 2 बाय एस इनटू 1 बाय एल प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एच. वी आर हैविंग मोर टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, सो वी विल गो विद द राइट हैंड साइड. सो आर एच एस हम लेके चलेंगे. टू बाय एस इंटू वन बाय एल प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय एच. उससे पहले देखो, वी हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें पता है वॉल्यूम इज एल इंटू वी इंटू एच. एस हमें सरफेस एरिया गिवन है, हमें पता है सरफेस एरिया इज दिस. ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे लेके चलेंगे इसको. अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है. इसको अभी फिलहाल एस सी रहने देते हैं. ये हो गया हमारे पास अपॉन में एल बी एच, और इधर एलसीएम जब आप लोगे तो एल है यहाँ पे, बी और एच का प्रोडक्ट आ जाएगा. देन बी है यहाँ पे, एच और एल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड एच है यहाँ पे तो एल और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब इसको मैं रीराइट करूंगी, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी अपॉन में एस इंटू एल बी एच. न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया. अब ये देखो, दिस इज योर सरफेस एरिया, तो ये चीज हो गई आपकी. और ये क्या था, वॉल्यूम. एल इंटू बी इंटू एच क्या था, वॉल्यूम. तो एस से एस कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, 1 बाय वी विच इज द लेफ्ट हैंड साइड. दोबारा देखो इसको, हमने राइट हैंड साइड ली. राइट हैंड साइड पे वी आर हैविंग 2 अपॉन एस इनटू 1 बाय एल प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एच. हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एल इनटू बी इनटू एच. अब आपको पता है फर्स्ट टर्म इनटू एलसीएम जब आप करोगे, एल से एल आपका कैंसिल होके व्हाट यू आर लेफ्ट विद बी एच, ये लिख लिया. 1 बाय बी से जब आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे, बी छोड़ दो, क्या रह गया हमारे पास, एल और एच, ये लिख लिया. जब 1 बाय एच से मल्टीप्लाई करोगे, एच छोड़ दो, एल और बी रह गया, वो लिख लिया. अब न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखा,
ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन इज योर सर्फेस एरिया, नीचे भी सर्फेस एरिया ऊपर भी सर्फेस एरिया कैंसिल आउट हो गया, एल इन टू बी इन टू एच इज द वॉल्यूम, तो वी वी आर लेफ्ट विथ, सो वन अपॉन वी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यही चीज हमें शो करनी थी दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज एज द बेल हैज गॉन सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द मीटिंग. Those who are having any doubts, they can ask the doubts. Rest of the students can leave the meeting. This is your lunch break. You can enjoy your lunch. Actually, you can enjoy your breakfast, I must say. So, if any child is having any doubt, you can ask. Otherwise, I'm just ending the meeting.